हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम एकेडमी पर। दोस्तों, यूपी चकबंदी लेखपाल के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है। वो आ रही है कि सपा राज में लेखपाल के अनारक्षित 1000 पदों पर कर दी गई थी ओबीसी की भर्ती। तो दोस्तों, यहां पर पूरा मामला मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट ऑनलाइन देना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप somacademy.org साइट पर जाकर बिल्कुल फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वहाँ पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट चलता रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इस भर्ती के बारे में समझा दूँ कि 2015 में चकबंदी लेखपाल के पद निकले थे। 2015 में ही परीक्षा आयोजित कराई गई थी और इसकी परीक्षा जो है वो आपका कराई गई थी 13 सितंबर 2015 को इसकी परीक्षा कराई गई थी और इसमें 20 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, आवेदन किया था और 16 अगस्त 2016 में इसका फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। दोस्तों, अब देखने में आ रहा है कि यहाँ पर इसमें कुल पदों की संख्या जो मैंने आपको बताई 2831, उसमें से जो है आपके 1400 पद जो एससी एसटी ओबीसी के थे, 1400 पद जो थे वे आपके एससी एसटी ओबीसी के थे और बाकी 1431 पद आपके सामान्य वर्ग के थे। परंतु यहाँ पर देखने के लिए चूक आई है कि अनारक्षित 1000 पदों पर, यानी कि 1431 पदों में से 1000 पदों पर अनारक्षित पर जो है भर्ती कर दिए गए ओबीसी भर्ती कर दिए गए, यानी कि जनरल के लिए केवल मात्र 431 पद छोड़ दिए गए। तो इतनी बड़ी चूक यहां पर देखने को मिली है आरक्षण व्यवस्था में सरकार द्वारा। और अब देखने में यहां पर जांच हुई है तो कई अधिकारी जो हैं यहां पर नाप दिए गए हैं, कह सकते हैं कि निलंबित कर दिए गए हैं। प्रारंभिक जाँच में चकबंदी आयुक्त हो चुकी है निलंबित, यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यह इसकी शिकायत की थी। और दोस्तों, यह मामला ज़्यादा तूल जब पकड़ा जब 2019 के लिए चकबंदी लेखपाल के 1364 पदों पर भर्ती निकाली गई और उन 1364 पदों में से 362 पदों पर पद जो थे वो एससी के थे, लेकिन इसमें जो है ओबीसी का कोई भी पद नहीं निकाला गया। उसका कारण बताया गया कि पहले वाली भर्ती में ओबीसी जो है आपके भर्ती कर लिए गए हैं, 1000 अनारक्षित वर्ग यानी जनरल के 1000 पदों पर जो है वे भर्ती कर लिए गए हैं। यहाँ पर यह बहुत बड़ी चूक देखने को मिली है भर्ती बोर्ड द्वारा। तो दोस्तों देखिए कि अब यहाँ पर क्या एक्शन लिया जाता है सरकार द्वारा, क्योंकि देखिए व्यवस्था किसी भी एक वैकेंसी की व्यवस्था एक ही वैकेंसी में निपटा ली जानी चाहिए, उसका आगामी परीक्षाओं में प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यह कहा है सरकार द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि कुछ ओबीसी के छात्र जो ट्रेनिंग कर रहे हैं चकबंदी लेखपाल की, वो बाहर हो सकते हैं या नियुक्ति पाली है वो बाहर हो सकती हैं, जिन्होंने जनरल के पदों पर नियुक्ति ली है ओबीसी के वे कैंडिडेट बाहर हो सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपके जनरल वर्ग के जो विद्यार्थी सिलेक्शन से रह गए थे और उनका नंबर इसमें पड़ रहा था, एक दो नंबर की चूक थी, उनका जो है नंबर यहाँ पर आएगा इस भर्ती द्वारा बोर्ड द्वारा जो है बड़ी चूक की गई है उसे सरकार सुधार कर रही है। तो यहाँ पर ये देखने को मिल सकता है और सरकार ने कहा है कि जिसका नंबर आएगा उसे नियुक्ति दी जाएगी जनरल के पदों पर। और दूसरी बात यह है कि जो पद 2019 में आए हैं 1364 पद, उनमें ओबीसी को भी भाग दिया जाएगा, इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर बनाई जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर यही थी इम्पोर्टेंट न्यूज़। एक मिलते हैं कुछ नए न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।